फॉरेस्ट रेस्ट हाउस सांद्रा है। काफ़ी शांत और सुरम्य जगह बसा हुआ है ये। रोड से कनेक्टेड नहीं है अभी, पैदल ही यहाँ आने का है। और ये लिखा भी हुआ है कब का बना हुआ, ये फॉरेस्ट 1898 का बना हुआ है ये बंगला। और बड़ा सिस्टम था इनको बनाने का, और स्थानीय मौसम के हिसाब से बनाए जाते थे लकड़ी के। और अभी भी अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रहा है ये। और सामने नीचे बगल से ही बहती हुई टोंस नदी की मधुर आवाज़ भी सुनने को मिल जाती है यहाँ। तो ये उस ज़माने की बात है जब अंग्रेज अफसर पैदल पैदल भ्रमण किया करते थे गांव-गांव में, और हमारे हिंदुस्तानी लोग उनकी कुली बेगार प्रथा किया करते थे। उनका बोझ ढोना, उनको फ्री में लेके जाना, कई बार तो उनको कंधे पे ढो के ले जाना पड़ता था। और वो सब लोग इस तरीके के आलीशान बंगलों में आराम फरमाया करते थे, और हमारे हिंदुस्तानी उनकी आवभगत में लगे रहते थे। गांव-गांव के रूटीन था कि जहां से भी अंग्रेज बहादुर गुजरेगा गांव उसकी बेगार करेगा। तो इसके खिलाफ आंदोलन भी हुए हैं, उत्तराखंड में भी हुए हैं, कुली बेगार प्रथा हुई है। तो ये सब इतिहास है इन बंगलों का। हालांकि आज